न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारत को लगा झटका। हार्दिक के बाद रविंद्र जडेजा हुए चोटिल, तो क्या ये खबर बताते हैं आपको। मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हार्दिक पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा के चोटिल होने की खबरें सामने आ रही है। रविंद्र जडेजा का चोटिल होना रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रविंद्र जडेजा की चोट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इस बात की आशंका बेहद कम है कि रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। यह भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस के लिए राहत भरी खबर है। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा है कि रविंद्र जडेजा ठीक है। जब आपकी सर्जरी होती है तो आपको लंबे वक्त तक मैदान से दूर रहना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात है कि रविंद्र जडेजा की चोट ज़्यादा सीरियस नहीं है। रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि इस ऑलराउंडर की चोट ज़्यादा सीरियस नहीं है। रविंद्र जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ आराम दिया जा सकता है। रविंद्र जडेजा लगातार मैच खेल रहे हैं, तो कई दिग्गजों का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आराम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, यानी आराम नहीं दिया जाएगा।